हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट एंड आई एम अरुणी श्रीवास्तव। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जैसा कि आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। सो गाइज, इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये जानना होगा कि एपिलेप्सी होती क्या है। तो गाइज, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एपिलेप्सी को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एपिलेप्सी होती क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड दैट एपिलेप्सी एंड द टाइप ऑफ सीजर अकर इन एपिलेप्सी। सो गाइज, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट इन शॉर्ट हियर आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रेन का डिसफंक्शन है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बार बार सीजर आते हैं। सीजर को हम हिंदी में बोलते हैं कि झटके आना, ठीक है। इसका क्या है कि इसका जो मेन कॉज है वो अभी तक अननोन है, बट ऐसा लोगों का मानना है कि इट मे अकर बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और ब्रेन हैमरेज और ब्रेन ट्यूमर और सो ऑन। सो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है इसके। तो अब हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो इसको सेवन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ओके। तो फर्स्ट वन है हाइडेंटोन। हाइडेंटोन में फेनिटोन्स, फर्स्ट फेनिटोन्स ड्रग्स आते हैं। सेकंड वन है बारबिट्यूरेट। बारबिट्यूरेट में फेनोबारबिटोन्स ड्रग आते हैं, और भी आते हैं लेकिन दे आर वेरी कॉमन, ओके। थर्ड वन है अमाइनो स्टीरबेंस। इसमें जो ड्रग्स आते हैं कार्बाजेपाइन एंड ऑक्स कार्बाजेपिन, ओके। नेक्स्ट वन है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें जो ड्रग्स आते हैं दैट इज डाइवलप्रोएक्स और द सोडियम वैलप्रोएट, ओके। जो नेक्स्ट वन है सक्सिनामाइट। इसमें क्या है इथोसक्सिमेट्स। नेक्स्ट वन है बेंजोडायाजेपिन्स। इसमें क्या आते हैं कि लोरियाजेपाम और डाइजेपाम जैसे ड्रग्स आते हैं। और जो लास्ट है अदर, दैट इज मिसलेनियस। इसमें जो होता है लैमोट्रिजाइन टाइप के ड्रग्स आते हैं। सो गाइस, अब हम इसका वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हाइड्राटोन्स में हाइड्राटोन ड्रग्स जो हैं ये कैसे वर्क करते हैं, ओके। गाइस, तो अब हम देखते हैं कि जो हाइड्राटोन्स जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो हाइड्राटोन ड्रग होते हैं ना, वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं फॉर जनरलाइज्ड एज वेल एज पार्शियल सीजर के लिए। जो गाइस मेरा जनरलाइज्ड और पार्शियल सीजर होता है, जो सीजर मीन्स की जो झटके आते हैं वो दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, दैट इज़ पार्शियल एंड सेकेंड वन इज़ जनरलाइज्ड। जो पार्शियल होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। एंड जो जनरलाइज्ड होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज पेटिट, मायोक्लोनिक, एटोनिक एंड ग्रैंड मॉल। सो गाइज, मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपने मेरा एपिलेप्सी वाला वीडियो नहीं देखा है, दैट इज़ प्रीवियस वीडियो ही मेरा है, तो आप प्लीज़ गो थ्रू इट, मैंने इन सब को वहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप देख लोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे, फिर यहाँ पे आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है गाइज। तो अब क्या होता है, जो हाइड्राटोन्स होते हैं ना, वो सबसे पहले जो लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड फिर बाद में वो ज़ीरो ऑर्डर मैकेनिज्म के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। अब ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो भी बॉडी में जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होते हैं इन अ यूनिट टाइम में, वो डिपेंडेंट होते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे, ओके। और जो इसका और कह सकते हैं कि जो ये जो भी ड्रग एलिमिनेट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे होता है, और इसका जो हाफ टाइम होता है दैट इज़ कॉन्स्टेंट, ओके। बट इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है कि जो मेरा जो बॉडी से जो भी ड्रग्स एलिमिनेट होते हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एंड देयर हाफ टाइम और हाफ लाइफ इज़ नेवर बी कॉन्स्टेंट, ओके। अब हम इसके कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, दैट इज़ एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया और वोमिटिंग एंड एक्सेट्रा। गाइस, हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं कि बारबिट्यूरेट क्या होता है, बारबिट्यूरेट क्लासिफिकेशन में क्या होता है। तो जो बारबिट्यूरेट क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आते हैं दैट इज़ फेनोबारबिटोन्स एंड सो ऑन, इट इज़ अ वेरी कॉमन। इसमें क्या होता है कि जो इस ग्रुप के जो भी ड्रग आते हैं ये बहुत ही वाइडली यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी इफ़िकेसी है बहुत ही अच्छी है, और ये काफ़ी लो कॉस्ट में है, और ये दोनों जनरलाइज्ड एज वेल एज पार्शियल दोनों सीजर के लिए ये यूज होता है। इसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये थ्रेसोल्ड सीजर को बढ़ा देता है। अब ये थ्रेसोल्ड सीजर होता क्या है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं दैट इज़ एक्साइटेटरी
एग्जाम्पल में ग्लूटामिनर्जिक एंड जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज गाबाजिक. एग्जाम्पल में इन दोनों के बीच का ही जो बैलेंस है दैट इज सीजर थ्रेशोल्ड. ओके, जो कि क्या करता है कि जो पर्सन कितना ससेप्टिबल है फॉर द सीजर को बताता है. वो इसको जो बारबिट्यूरेट है वो इसको सीजर थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है. ओके, अब हम बात करते हैं कि डीऑक्सीबारबिट्यूरेट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में. तो ये क्या होता है, इसमें जो ड्रग्स आते हैं दैट इज प्रेमिडोन, ये क्या होता है, बहुत ही कम यूजफुल होता है, बहुत ही इसको रेयर यूज़ करते हैं. ओके, तो फिर हम नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, दैट इज अमाइनोस्टिल्बेंस. अमाइनोस्टिल्बेंस में कार्बाजेपिन लाइक ड्रग्स आते हैं. ये इसमें क्या खासियत है कि इसकी जो एंटी सीजरिक एक्टिविटी है ये काफ़ी अच्छी है और ये ट्राइजमाइनल न्यूरेल्जिया में भी हेल्पफुल होता है. अब ये जो ट्राइजमाइनल न्यूरेल्जिया है ये क्या होता है, ये क्या होता है कि पेन एसोसिएटेड विद ट्राइजमाइनल नर्व. ओके, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं लाइक अटैक्सिया, ड्रोजीनेस या वर्टिगो. ओके, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं, दैट इज सक्सिनामाइड. इसमें जो ड्रग्स आते हैं लाइक एथोसक्सिनामाइड, इसमें क्या होता है कि जो ये ड्रग हैं वो उन एपिलेप्सी केस में यूज होते हैं जिसमें कि सीजर एब्सेंट होता है लाइक पेटिट्वन. ओके, ये क्या करता है कि जो कैल्शियम लेवल है थैलमिक न्यूरॉन्स में जो कैल्शियम लेवल है उसको डिक्रीज कर देता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं, बेंजोडायाजेपिन्स. बेंजोडायाजेपिन्स में डायाजेपाम जैसे ड्रग्स को यूज़ करते हैं और ये जो ड्रग्स हैं वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ होते हैं. अब जो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, जो कि अगर किसी पेशेंट को बार बार एपिलेप्सी आ रही है विदाउट एनी रिकवरी ऑफ देयर कॉन्सियसनेस दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस. अब हम लास्ट वन की बात करते हैं, दैट इज़ अदर, जिसको हम मिसलेनियस भी कहते हैं. इसमें लैमोट्राइजिन टाइप के ड्रग्स यूज़ करते हैं. ये क्या होता है कि ये जो भी मायोक्लोनिक सीजर होता है, मायोक्लोनिक सीजर का मतलब होता है कि या तो किसी एक पर्टिकुलर कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या फिर पूरी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या पार्शियल सीजर में इसको हम यूज़ करते हैं. और इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं लाइक सिडेशन, अटैक्सिया या फिर स्किन पे रैशेज हो जाना या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाना, दीज ऑल. ओके, सो थैंक यू गाइस, दिस ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड.